दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड में क्लास 10 12 के जितने भी स्टूडेंट है उनके 2021-22 का लेटेस्ट सिलेबस जारी किया है। अभी ये वेबसाइट पर आया है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से क्या रिड्यूस किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यूपी बोर्ड ने आपके लिए मॉडल पेपर भी जारी किया है, साथ में प्रश्न बैंक भी जारी किया है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यूपी बोर्ड का नंबर वन चैनल है। इस चैनल से पढ़ाई कर पिछले 3 साल से काफी बच्चे 90-95% स्कोर कर चुके हैं। सबसे पहले आपको इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है और किस चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से क्या रिड्यूस हुआ है, एकदम आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दो। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है UPMSP, ठीक है। जैसे इसको आप सर्च करोगे एंटर कर देना, ठीक है। फिर यहां पर जो सबसे पहला वाला आइकन आएगा ऐसा खुल कर आएगा, ठीक है। फिर आपको डाउनलोड क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है 2021-22 का सिलेबस, देखना है कौन से सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर इस बार पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर आपको आना है पाठ्यक्रम सत्र पर, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आप जिस भी क्लास में हो, सपोज करो यहां पर 9th का दिया हुआ सारे सब्जेक्ट का, 10th का, 11th का, 12th का, ठीक है। मैं मानता हूं आपको 12th का देखना है, ठीक है। 12th का आपको हिंदी का सिलेबस देखना है कि 2022 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही उस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये कुछ ऐसा इंटरफेरेंस आपके सामने खुल कर आएगा, ठीक है। फिर यहां पर आप देख सकते हो कि COVID-19 महामारी कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में ये आपको पढ़ना है और जो नहीं पढ़ना है वो भी इसमें मेंशन है, ठीक है। हिंदी में जैसे आप देख सकते हो कि गद्य के विकास से आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे, फिर काव्य साहित्य से 5 मार्क्स के, फिर पाठ्यक्रम निर्धारित गद्यांशों पर आपके 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे पदांशों पर, फिर साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये पूरा पेपर पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा यहाँ पूरा नीचे आपका दिया रहेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट 10-12 के हैं, देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है सबसे पहले, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने प्रोवाइड किया है, जहां पर मैं हर सब्जेक्ट से जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो मैं अलग से आपको प्रिंट आउट या टाइप करवाकर उसमें डलवा दूंगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर मैं बनाना चाहूं तो इस पे 20 वीडियो बन जाएगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग, लेकिन मैं मानता हूं आप सभी समझदार हो। अगर आपको एक सब्जेक्ट का मिल जाए तो आप सभी खुद खोल कर देख सकते हो कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये आपके लिए सिलेबस था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। काफी बच्चे बहुत दिन से कंफ्यूजन में रहते थे कि सर इस बार सिलेबस कितना घटा है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी नहीं हुई है उनके लिए गुड न्यूज, आज मैं अनअकैडमी पर 8 बजे लाइव आऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा सितंबर से आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क कर अपने सभी सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और वो कौन से स्पेशल ट्रिक्स हैं जिसे आपको डेली अपने लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जैसे जाओगे कुछ ऐसा आइकन आपके सामने आएगा, इस पे क्लिक करोगे, आप नोटिफाई मी पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे ही क्लास लाइव चले जाएगा आपको मैसेज आ जाएगा। और अगर यहां पर आपसे कोई कोड मांगे, ठीक है, सपोज करो आपके मोबाइल से लॉग इन के लिए मांगेगा, अगर आप पहली बार लॉग इन करोगे, अगर आपसे कोई कोड मांगेगा, इनवाइट कोड मांगेगा, तो आपको करना क्या है, आपको मैं कोड बता रहा हूं, आप बिल्कुल फ्री में इसमें जुड़ जाना, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके शुभम SHU सब कैपिटल में लिखना, ठीक है, शुभम UP और 10। जैसे ही इस कोड को आप अप्लाई करोगे आप बिल्कुल फ्री में इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को सिलेबस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो और जैसे ही आपका मॉडल पेपर आता है, ठीक है, अभी यूपी बोर्ड ने सिर्फ 9 का मॉडल पेपर जारी किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, 1 सेकंड रुको, ठीक है। यहां पर देखो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर यह आपका मॉडल पेपर जो है 2021-22 का, यहां पर देखो 9th का आ गया, लेकिन 10th एंड 11th 12th ये भी आएगा क्योंकि इसका आइकन ऑलरेडी बन चुका है। तो जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। और रह गई बात प्रश्न बैंक का, तो प्रश्न बैंक भी आपके लिए जारी किया जा रहा है, जो यहां पर देख रहे हो 9th सब्जेक्ट का आ चुका है, 10th 11th 12th इसका भी आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं जैसे आपको बताऊं आपको सबसे पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से 8 बजे लाइव, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।